हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले ना तो कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इंसानों को सबसे कठोर दिल वाला जीव माना गया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 108 साल पुरानी कहानी, जिसमें एक हाथी को शहर के बीचों बीच में लगभग 2000 लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही हाथी के बारे में जिसे सुनकर आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात है अमेरिका के टेनिस शहर की, जहाँ पर 40 पार्क नाम का एक कंपनी सर्कस था। इस कंपनी का मालिक चार्ली स्पार्क था, जो अपनी सर्कस कंपनी को खूब बढ़िया तरीके से चला रहा था। यह सर्कस कंपनी लोगों के बीच में बहुत फेमस थी और इस सर्कस को देखने के लिए लोग भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से आते थे। दोस्तों, इस सर्कस में एक मैरी नाम का हाथी था जो वहां पर सर्कस दिखाता था। मैरी का वजन 500 किलो था, लेकिन उसकी हरकतें सभी का दिल जीत लेती थी। वो इस सर्कस का सबसे पॉपुलर हाथी था। जब भी इस सर्कस की शुरुआत होती तो लोग केवल मैरी को देखने के लिए ही आते थे। सर्कस में लोग मैरी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। मैरी और उसके केयरटेकर के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल था। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझते थे और सर्कस का मालिक भी खूब पैसे कमा रहा था। लेकिन साल 1916 में एक दिन सर्कस के ओनर के साथ मैरी के केयरटेकर की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और वो सर्कस छोड़कर चला गया। ये बात मैरी को हजम नहीं हुई, इनफैक्ट उसे बहुत दुख हुआ और अब मैरी भी थोड़ी सी दुखी रहने लगी। सर्कस के मालिक ने नया केयरटेकर बुलाया। ये बात वो भी समझता था कि मैरी को नए केयरटेकर के साथ एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि उसका शो जो लगातार बुक हो रहा था। उसने नए केयरटेकर को मैरी के साथ जैसे तैसे करके फिट करने की कोशिश की, लेकिन मैरी नए केयरटेकर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर रही थी। मैरी का जो नया केयरटेकर था वो बहुत ही सख्त था। वो बात बात पर मैरी को मारता था और डराकर रखने की कोशिश करता था। एक दिन सर्कस के मालिक ने रोड शो करने का फैसला किया। ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया, जिससे सर्कस से पहले ही सर्कस के सारे टिकट्स बिक गए। रोड शो होने से पहले मैरी बहुत भूखी थी क्योंकि उसके केयरटेकर ने उसको खाना नहीं दिया था। ये बात उसके मालिक को भी पता थी। रोड शो होने के दौरान मैरी का केयरटेकर उसके ऊपर बैठा हुआ था और मैरी रोड पर चल रही थी। रोड शो के बस कुछ ही समय के बाद मैरी को रोड की दूसरी तरफ कुछ खाने का सामान दिखा और वो रोड शो छोड़ के रोड की दूसरी तरफ भागने लगी। उस समय सर्कस को देखने वाले बहुत से दर्शक मौजूद थे। मैरी का केयरटेकर और सर्कस के कुछ लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैरी पागलों की तरह उस खाने की ओर जा रही थी क्योंकि उसे तेजी से भूख लगी थी। ये बात उसके केयरटेकर को समझ नहीं आई और मैरी को कंट्रोल करने के लिए उसने तेज धार वाले नुकीले हथियार से मैरी को मारने लगा और मैरी खून से लथपथ हो गई, लेकिन फिर भी मैरी सामने रखे केले खाने लगी। यह नज़ारा सबके सामने चल रहा था। केयरटेकर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो फिर से मारने लगा। उस बेजुबान जानवर को दर्द सहा नहीं जा रहा था। तभी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने केयरटेकर को नीचे गिरा दिया। इस दुर्घटना में मैरी का पैर केयरटेकर के ऊपर आ गया, जिससे मौके पर ही केयरटेकर की मौत हो गई, जिससे सर्कस में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सारे लोगों ने मैरी पर हमला कर दिया, जिसमें सर्कस के कुछ लोग भी शामिल थे। मैरी को बहुत मारा, यूँ कहें तो इतना मारा कि उसे अधमरा ही कर दिया। जैसे तैसे करके मैरी वहां से अपनी जान बचाकर भाग तो गई, लेकिन पूरे शहर के लोगों ने ठान ली कि किसी भी तरह से मैरी को जान से मारा जाए और तड़पा कर मारा जाए, जिसके चलते लोगों की रिक्वेस्ट के कारण वहां की सरकार ने मैरी को फांसी देने की सज़ा दे दी और 13 सितंबर 1916 को मैरी को फांसी दी गई, वो भी लगभग 2000 लोगों के सामने। जब मैरी को फांसी पर चढ़ाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाली क्रेन से लटकाया गया, तब क्रेन की जंजीर टूट गई और मैरी क्रेन से 20 फीट नीचे आ गिरी, जिससे मैरी की गर्दन टूट गई और खून बहने लगा। लेकिन फिर भी वहां पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला और फिर से मैरी की गर्दन को जंजीर से बांधकर क्रेन से फांसी पर चढ़ाया गया और आखिरकार वह तड़पते हुए मर ही गई। दोस्तों, मैरी एक बेजुबान जानवर था और उस दिन उसे खाना खाने नहीं दिया था और ना मानने पर उसे बहुत मारा था, जिससे उसने गुस्से में आकर केयरटेकर को मार दिया, जिसकी वजह से मैरी को फांसी पर लटका दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, क्या मैरी के साथ इंसाफ किया गया? इंसानों को इंसान का खून तो दिख गया, लेकिन जो हमला मैरी के ऊपर उसके केयरटेकर ने किया वो किसी को नहीं दिखा। दोस्तों, इस बात से साफ जाहिर होता है कि इंसान इंसान की परवाह करता है, जानवरों की नहीं। वैसे ये फैसला जो वहाँ के लोगों ने किया, ये सही है या फिर गलत? अपनी राय नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।